अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स और इन आर्टिकल्स की ड्रेस डिज़ाइनिंग। ईद के आर्टिकल्स हैं जो कि मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवा लिए हैं। ये मेरी क्लाइंट हैं जो कि जर्मनी से ही, उनके आर्टिकल्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर करूँगी। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल्स की डिटेल्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट वन आर्टिकल आप लोग दिख रहे हैं, हमारे पास मारिया बी का हिट कोट है एम प्रिंट्स का। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है और ये मैं आर्टिकल बहुत ज़्यादा बाय कर चुकी हूँ और स्टिच पे करवा चुकी हूँ। ये मैंने एक और अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया है। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लें, नेकलाइन ओवरलैप बनवाई गई है और इस तरह से हमने लैस फिक्स करवा दी है। और एक मारिया बी का जो आर्टिकल है ना, ये मैंने बिल्कुल एज आ मॉडल पिक्चर भी अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया है। वो टेलर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल आ जाएगा, तो भी मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत प्यारा लग रहा था वही स्टिच होने के बाद। इस तरह से इसकी नेकलाइन आ जाएगी अवर लैप में। जॉइंटर हम लोगों ने फिक्स करवाए हैं, टू टाइम जॉइंटर इसको मैंने फिक्स करवा दिए थे, ठीक है? इस तरह से आप लोग इस कम्प्लीट लुक देख सकती हैं। उसके बाद हमारे पास दामन आ गया। दामन के ऊपर हमने जो है एप्लिक करवा दिया जो कि बॉर्डर हमें दिया गया था। साथ में लैस हम लोगों ने जो है मिल्की लेस जो है वो मैंने दामन के ऊपर इस तरह से फिक्स करवा ली, तो कि काफ़ी नाइस लग रही है, ठीक हो क्या? हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं इसके स्लीव्स। स्लीव्स के ऊपर मैंने टू टाइम जो है वो जॉइंटर फिक्स करवाया गया है और जॉइंटर का पैटर्न आप लोग चेक कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और नीचे मैंने इनर भी फिक्स करवाई है इस ड्रेस के नीचे। ये इनर वाला सूट है और इनर मैंने फिक्स करवाई ताकि सी थ्रू ना हो, ठीक है? ऑलरेडी ये चिकनकारी हुआ था ना इसके ऊपर, तो वो उसमें होल्स थे। उसके बाद इसके स्लीव्स के भी हम लोगों ने स्ट्रेट में स्लीव्स बनवाए गए हैं और साथ में हमने लास्ट फिक्स करवा दी कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारे पास इसका बॉटम आ जाता है। बॉटम बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स है, 8 to 9 बॉटम के साथ इसको हमने डिज़ाइन किया है। उसके बाद हमारे पास इसका दुपट्टा है, शिफॉन का दुपट्टा है। साथ में हमने लाइट वाइट लेसिस का यूज़ किया है। साथ में पलटा जो लगवाया गया है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, इस तरह से इसका पलटा डलवाया गया है। और ये इसका दुपट्टा है जो कि आपको ट्विंकल शिफॉन का दुपट्टा मिलेगा। और ये आर्टिकल मैंने इतना ज़्यादा स्टिच करवा लिया है कि अब तो ये आर्टिकल मुझे रट गया है। तो ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। अगर देखा जाए तो इस दवा की एम प्रिंट तो इतनी हिट नहीं गई जितनी कि ये वाले आर्टिकल्स इनके हिट गए थे। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। और इस तरह की ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रह सकती हैं। नेक्स्ट वन आर्टिकल देख लेते हैं। तो जनाब, ये ड्रेस तो सबकी जान है जान, बहुत प्यारा आर्टिकल है। अभी तक ये आर्टिकल हिट कोट में से एक है और अभी तक इसकी डिमांड चल रही है, इसकी डिमांड खत्म नहीं हुई। काफी अच्छा आउटफिट है, लेने जैसा आर्टिकल है, फुली रिकमेंडेड है, अच्छा आर्टिकल है। स्टिच होने के बाद बहुत हसीन लगता है। इसका ब्लू कलर भी बहुत प्यारा है, इसका पिंक कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। तो जनाब, नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास क्रिस्मा का आर्टिकल है और ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख ली, नेकलाइन हमारे पास इसकी इस तरह से इसकी नेकलाइन थी, फुली एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, ये जो जितना भी वर्क हुआ है, मिरर वर्क और गोटा वर्क, ये हैंडमेड है, ठीक है? हैंड एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। और इसके बाद इसके लुक आप लोग चेक कर सकती हैं। ये ड्रेस जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना है। रीज़न स्टार्ट था भी एक्सपेंसिव, 14,000 का ये आर्टिकल था। इसके बाद इसकी ये इसके रीज़न ये थी इसके एक्सपेंसिव होने की, एप्ले का काम बहुत ज़्यादा था इसमें, ठीक है? इस तरह से ये आप लोग ये देखिए, एप्ले का सारा वर्क करवाया गया। ये पट्टी हमें सेपरेटली दी हुई थी, ये हमने सारी के सारी स्लिट के ऊपर एप्ले करवाई है, ठीक है? और वाइट होने की वजह से हाथ मेरे काफ़ी डार्क लग रहे हैं। ये देखिए, फ्रंट बैक दोनों के ऊपर ये सारी एप्ले हुई है कुछ इस तरह से। आप लोग इसकी कम्प्लीट लुक देख सकती हैं, ठीक है? धागे जो है वो कभी भी जान नहीं छोड़ते, ठीक है? इस तरह से आप लोग इसके कंप्लीट लुक देख सकती हैं। उसके बाद हमारे पास इसके स्लीव्स आ जाते हैं। अच्छा जी, स्लीव्स के ऊपर भी एप्ले करवाई गई हैं। स्लीव्स के लिए ऑर्गेन्जा सेपरेटली लिया मैंने, एक्स्ट्रा मैंने बाय किया और उसको मैंने सारा ऑर्गेन्जा इसके नीचे लगवाया है और इस तरह से इसकी लुक जो है हम लोगों ने क्रिएट की है, ठीक है? जैसे मॉडल पिक्चर पर था वैसे ही हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। अच्छा लग रहा है बट मेरे ख्याल में वर्थ बाइंग नहीं है, क्योंकि आप इतना एक्सपेंसिव ड्रेस बाई करो और उसके बाद इसको स्टिच करवाओ और स्टिचिंग के लिए भी आप इतनी अमाउंट उसको पे करो, तो मेरे ख्याल में वर्थ बाई नहीं है ये आर्टिकल। बाकी आप लोग एक अपनी चॉइस है कि आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकती हैं, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, लेकिन ये कि मेरी तरह से रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वर्थ बाई नहीं है।
अच्छा जी, इसका बॉटम आ गया। बॉटम के ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड पाँच था जो कि हमने फिक्स करवा दिया, और एंड के ऊपर हमको नहीं लैस लगवा दी। अच्छा, इस दुपट्टे का काम बहुत ज़्यादा था। इसका दुपट्टा जो है वो इस तरह से है, इस तरह से इसका दुपट्टा है सारा। इसके ऊपर ये एप्लिक वर्क हुआ है सारा का सारा, ये देखिए सारा ये एप्लिक वर्क हुआ है। उसके बाद ये भी सारा एप्लिक वर्क के साथ में इसको हम लोगों ने प्रॉपरली पाइपिंग भी करवाई है, ताकि ड्रेस की जो लुक है वो फिनिशिंग, ये ड्रेस जो है फिनिशिंग के साथ बने। ठीक है, ये कंप्लीट इस ड्रेस की लुक हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा, और इस तरह की ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रह सकती हैं। अच्छा जी, ये इसकी कंप्लीट लुक हो गई जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। कोई स्क्रीन शॉट लेना चाहता है तो स्क्रीन शॉट भी ले सकता है इस आर्टिकल का। ये ईद एडिट कलेक्शन का आर्टिकल था, और इसकी मॉडल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को इस ड्रेस की लुक का आइडिया हो। तो जनाब, ये ड्रेस लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। वाकई में मेहनत तो बहुत है इस ड्रेस में, लेकिन स्टिच होने के बाद काफ़ी हसीन लग रहा है। तो अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकती हैं। हाँ, इसमें मैंने आपको जो जो बातें थी वो बता दी हैं। ओवरऑल लुक इसकी मैंने आपको ये दिखा भी रही हूँ। नेक्स्ट वन आर्टिकल भी हमारे क्रिज्मा का आर्टिकल है। इसको भी हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से बनवाया है। अच्छा जी, ये चीज़ सेपरेटली दी हुई थी, ये सेपरेटली दिया हुआ था, सब कुछ सेपरेट था। सबसे पहले इसकी नेक लाइन हम लोग देख लेते हैं। नेक लाइन इस तरह से बनवाई गई, जैसे मॉडल पे था वैसे ही हमने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले जनाब इसकी ये इसके आप लोग नेक लाइन देख लीजिए। नेक लाइन कुछ इस तरह से है, और पिंटिंग सिलवाए हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर ये लैस दी हुई थी हमें, वो फिक्स करवाई, फिर हम लोगों ने पिंटिंग सिलवाए, एंड देन हमारे पास ये लैस आ गई। जैसे मॉडल पिक्चर में स्टिच हुआ हुआ था वैसे हमने डिज़ाइन किया। आप लोग ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये आप लोग इसकी बेल देख रहे हो, ये जो है ना हम लोगों ने बनवाने के बाद अप्लाई करवाया, क्योंकि ये सेपरेटली दी हुई थी एक फैब्रिक के ऊपर, और जैकार्ड का फैब्रिक था वो हमें दिया हुआ था। ये इस तरह से इसके सारा एम्ब्रॉयडरी है, और ये आर्टिकल आउट ऑफ स्टॉक हो गया क्योंकि ये आर्टिकल हिट जा रहा है। ठीक है, सारी इसकी शिफली वर्क है, साथ में लेस हम लोगों ने सेम कलर की लेस हम लोगों ने फ्रंट बैक एंड दामन पर लगवाई है, और सेम पलटा डलवाया है कुछ इस तरह से, और ये आर्टिकल हेड कोट में से जा रहा है, और सेम हम लोगों ने लैस फिक्स करवाई है फ्रंट दामन बैक पर और स्लिट्स के ऊपर, और साथ में हम लोगों ने सेम फैब्रिक का ही पलटा हम लोगों ने डलवाया है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारे पास स्लीव्स आ जाते हैं, स्लीव कुछ इस तरह से हैं, ये भी शिफली वर्क में थे। साथ में इसकी आप लोग लुक चेक कर सकती हैं। ठीक है, ये एप्रिक हो गया, इस तरह से इसकी कम्प्लीट लुक हो गई जो कि काफ़ी नाइस लग रही है। उसके बाद हमारे पास इसका बॉटम आ जाता है। बॉटम जो है बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स बनवाया गया है, और इस तरह से इसकी लुक होगी हमारे पास कंप्लीट। अच्छा जी, इसका दुपट्टा बड़ा अजीब सा है, शिफॉन का एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा था इसका। और इस दुपट्टे की कहानी ये है कि इस दुपट्टे के ऊपर ये हमें ऑर्गेन्जा जैकार्ड की फैब्रिक दिया हुआ था, इसको एप्लाई करना था इसके दुपट्टे के ऊपर। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर हम लोगों ने एप्लाई करवा दिया। ये पूरा फ्लावर था जो कि हम लोगों ने मिड में इसको एप्लाई करवा दिया। ठीक है, एप्लिक के चार्जेस बहुत ज़्यादा लग गए इस ड्रेस के ऊपर, मतलब कि ड्रेस जो था ऑलरेडी 14,000 का था, नाना करते करते 20,000 तक तो पहुँच गया एप्लिक और स्टिचिंग के साथ, लेसेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग के साथ। ठीक है, ये इसका बॉर्डर आ गया, और साथ में ये इसकी लैस आ गई जो कि 4 साइड्स के ऊपर हमारी लग गई। ठीक है, जो कि इसके साथ मैंने पाइपिंग भी करवाई है ताकि ड्रेस की लुक जो है वो कम्प्लीट हो जाए। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक, एंड इसके मॉडल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये ड्रेस वेयर हुआ हुआ कैसा लगेगा। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस भी अच्छा लगा होगा। मैंने सारे आर्टिकल सबको डिटेल में दिखा दिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगती होगी। और आजकल बहुत ज़्यादा टफ रूटीन चल रही है रीजन स्टार्ट के, आजकल जो है ईद के का टाइम है, काफ़ी हर क्लाइंट को ड्रेसेस ईद पे चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो गया। तो ये इस ड्रेस की कंप्लीट लुक हो गई। नेक्स्ट वन आर्टिकल भी हमारे पास क्रिज्मा का है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। इसको मैंने कैसे डिज़ाइन करवाया ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जनाब शर्ट आ जाती है। शर्ट के लिए हमें नेक लाइन दी गई थी, और ये ड्रेस जो है वो सारा हैंडमेड में है, हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको ये आर्टिकल मिलेगा। सबसे पहले इसकी नेक लाइन देख ली हमने, एप्लिक के लिए एप्लिक हो गई थी इसकी नेक लाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एप्लिक हो गई, इसकी नेक लाइन एप्लिक हो गई, ओके। और उसके बाद हमारे पास जनाब आ जाता है इसका ये लुक। ठीक है, ये इसके दो मोटिव्स थे जो कि दामन के ऊपर एप्लिक हो गए,
साथ में पट्टी सेपरेटली दी हुई थी, ये हम लोगों ने सारी स्लिट्स के ऊपर एंड दामन के ऊपर एंड स्लीव्स के ऊपर अप्लाई करवाई है। ठीक है, कंप्लीट इसको इस तरह से डिटेलिंग्स करवाया गया है। दामन के ऊपर ये जो पैच आप लोग देख रहे हैं ये भी अप्लाई हुआ है, फ्रंट बैक दोनों के ऊपर ये अप्लाई करवाया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस ड्रेस की कंप्लीट लुक आप लोग देख सकती हैं। अगर आप लोग भी इस तरह की स्टिचिंग करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। हमने वैसे ही स्टिच करवाया जैसे कि मॉडल पिक्चर पे था, सेम एज इट इज़। अच्छा जी, इसके बाद इसके स्लीव्स भी देख लें। स्लीव्स के ऊपर ये जो पैच था ये भी नीचे है, ये भी एप्लिक हो गया। इसके बाद ये जो मोटिव आप देख रहे हैं ये भी इसके ऊपर एप्लिक हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एप्लिक का इसके ऊपर वर्क था लेकिन फाइनली हम लोगों ने इसको करवा दिया। ऊपर से इसको इस आर्टिकल को टेलर को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया था, दो दो दफ़ा तो मुझे जाना पड़ा इस ड्रेस को समझाने के लिए टेलर की तरफ। अच्छा जी, इसका इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र का फुली एम्ब्रॉयडेड है, इसके पास इसने सेपरेटली दिए हुए थे ना कि समझना मुश्किल था। इसका बॉटम है फुली शिफली वर्क में एम्ब्रॉयडेड, और जितनी एम्ब्रॉयडरी थी ना मैंने कहा उतना ही बॉटम आप रख दें ताकि ये वेस्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद इसका खूबसूरत सा दुपट्टा आ जाता है। दुपट्टा जो है वो भी पूरा एप्लिक हुआ है, दुपट्टे के ऊपर ये आप लोग देख रहे हैं ये सारे ये एप्लिक हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। और इसके बाद इसकी इसका दुपट्टा जो है वो शिफॉन का है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड। साथ में ये इस तरह से आप लोग इसके बॉर्डर्स देख सकती हैं, फोर साइड में बॉर्डर्स आ गए थे कुछ इस तरह से। साथ में हम लोगों ने इसकी पाइपिंग करवाई है जो कि काफ़ी क्यूट लग रही है, और साथ में हम लोगों ने टसल्स भी अटैच करवाई हैं। इसके टसल्स जो हैं वो आप लोग ही देख लें, इसके टसल्स भी हमने अटैच करवाए हैं इसके पूरे दुपट्टे के ऊपर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और इसके मॉडल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ करूँगी अल्लाह फेस। ठीक है, तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा, और इस तरह की ड्रेसेस आई देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रह सकती हैं। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तो हम यहाँ तक ही अगर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।